बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं माजी के लजीज खाने में बारबेक्यू का मसाला बना रही हूँ। इसके लिए आज जैसे कि बकरा ईद का दूसरा दिन है और मैंने यही सोचा कि भाई आज मैं ये डाल दूँ ताकि ये मसाला जो है अच्छे से बन जाए और लोग भी इसे मुस्तफीद हो जाएं। अब हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं, ये हमने ली है ये काली मिर्चें ले ली हैं, ये एक चम्मच काली मिर्चें हैं, बड़ी बड़ा चमचा है, और ये हमने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, ये हमने नमक ले लिया है, ये काला नमक है, और ये लौंगे हैं, ये छोटी इलायची ले लें आप या छोटी इलायची का, ये मैंने हरी इलायची जिसे कहते हैं उसका पाउडर ले लिया है, और ये सौंफ ले ली है दो चम्मच, ये हमने ले लिया है धनिया साबुत, ये भी हमने दो बड़े चम्मच ले लिए हैं, ये हमने ज़ीरा ले लिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी हमने बड़ा एक चम्मच लिया है, ये है बड़ी इलायची, ये हमने चार अदद ले ली हैं, ये है जायफल, ये छोटा एक टुकड़ा ले लिया है, ये देखें ये पूरी छोटी है, ये जायफल है, ये हमने छोटी वाली ली है, बड़ी वाली नहीं ली, ये हमने तकरीबन 20 अदद सुराख मिर्चें साबुत ले ली हैं, और ये हमने थोड़ी सी एक जवत्री है, जवत्री ले ली है, ये लहसुन पाउडर है, और ये हमने जो लिया है ये है अदरक पाउडर, अब और ये खशखाश ले ली है। अब हम इसे मसाले को तवे के ऊपर थोड़ा सा भूनेंगे। अब ये देखें मैंने ये तवे को गरम करा है और इसके ऊपर मैं ये जो चीज़ें हैं ये हल्की आंच के ऊपर डाल रही हूँ। ये मैंने साबुत धनिया और सौंफ और ये साबुत मिर्चें हैं, ये ज़ीरा है, ये अब मैं इसे ये देखें ये काली मिर्चें हैं, ये लौंगे हैं और ये दालचीनी के टुकड़े। अब मैं इनको ये देखें इन्हें ये मैं भून रही हूँ तवे के ऊपर। ये हल्की आंच पे भूनेगा और फिर इसके अंदर जो लज्जत आएगी फिर आप देखिएगा। ये बारबेक्यू मसाले ये बहुत कम जो लोग हैं ये बनाते हैं, ये मैंने बकरीद के हवाले से मैंने सोचा चलो सारे लोग मुस्तफीद हों, सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ये देखें। और आज मैं माजी के लजीज खाने में ये बारबेक्यू मसाला बना रही हूँ, ये देखें ये अब मैं इसे ग्राइंडर के अंदर निकाल रही हूँ, ये देखें कितना ब्राउन हुआ है ये, और ये इसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। अब ये मैंने भून लिया है, ये देखें अब मैं इसको ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जायफल है और ये खशखाश है, ये देखें ये अदरक का पाउडर है, ये जवत्री है, ये सब जितनी चीज़ें हैं अब मैं सब इसके अंदर डाल के ग्राइंडर में अब मैं इसको पीसूंगी। आज ये हमने बारबेक्यू मसाला तैयार किया है और आप लोग भी इस मसाले को बनाइएगा, घर में रखें और इस्तेमाल जल्दी से जैसे
कोई चीज़ बनानी है, कोई भूनना है गोश्त, कुछ भी है। और ये दही और हरी मिर्चें हैं, ये और डिशें जो बनती हैं उनमें लगा के, और फिर ये मसाला ऊपर से लगे, ये बहुत ज़ायका देगा। आप लोग भी बनाइएगा और ईद की खुशियों में आप लोग जो हैं मुझे भी याद रखें, माँ जी को भी याद रखें। और आप लोगों की उम्मीद है ईद अच्छी गुजर रही होगी। और अगली वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। आप लोगों को ये मसाला पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगली वीडियो के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।